फाइनली अभी जो है मैं इस टाइम मौजूद हूँ तारिकाबाद के अंदर, और ये जो रोड आ रहा है ये एमडीए चौक से आ रहा है और ये जा रहा है कलमा चौक की तरफ। ठीक है, अभी मैं ये रोड क्रॉस कर रहा हूँ और हम चलते हैं आपको फेमस गोलगप्पे खिलाने के लिए और टेस्ट चेक करवाते हैं आपको भी। इंशाल्लाह आप जब भी आएंगे तो आप ज़रूर लाजमी इसको है वो टेस्ट करें, फिर इंशाल्लाह आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कैसे हैं कैसे नहीं। यहाँ पर दो तीन दिन की जो रेडियो स्टॉल लगे हुए हैं, ये साथ ही इसके जो ये पार्क भी है आर्ट काउंसिल पार्क इसका नाम है। ठीक है, ये सारा इसका व्यू देखें। अभी ये आ गए हम इसकी दुकान के ऊपर, ये रेडी लगी हुई है इधर से गोलगप्पे भी भाई के पास आ गए हम। तो ये देखें अभी ये गोलगप्पे बना रहे हैं, ये है मुल्तान के फेमस जो हैं वो गोलगप्पे हैं। ओह माय गॉड, काफ़ी स्पाइसी लगे। ऊपर आ गया प्याज और अभी ये आ गया मसाला और ये आ गया हमारे सामने। चेक करें यार, फुली लोडेड है यार ये दही के साथ और पुदीने वाली चटनी के साथ, और आपके सामने कुछ ये लोग पेश कर रहे हैं। अभी इसको ट्राई करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं ये कैसे। अभी इसे ट्राई कर, यार फुल स्पाइसी है यार। ऊपर से यह हसीन मौसम और फिर बीच में ये गोलगप्पे। अभी अली भाई टेस्ट कर रहे हैं और ये बताते हैं हमें ये कैसा लग रहा है। अली भाई कैसा लगा, खाएं खा के बताएं हमें। ये लें ना आप, इधर से एक लें, एक उठाएं और व्यूवर्स को बताएं कि इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है उन्होंने। कैसे लगा अली भाई आपको? बहुत मजे का एंड है। तो जब भी आपने जो है वो गोलगप्पे खाने हो तो मुल्तान के अंदर जो है वो आप सीधा तारिकाबाद के अंदर आ जाएं और इसी रोड के ऊपर आकर जो है वो फिर चिल करें। कैसे लगे आपको, अच्छे हैं? अच्छा जान, कितने पैसे हो गए? बस यार इतनी चीप बेस्ट जो है वो सबसे सस्ती और अच्छी गोलगप्पों की जो है वो प्लेट सिर्फ 70 रुपये में। अभी यार क्या बात है यार, इतने सस्ते गोलगप्पे और अच्छे। और बड़ी प्लेट, ये छोटी प्लेट थी? अच्छा यार, बड़ी प्लेट कितने की है? वो 140 की होगी। अभी आपको ये तीन प्राइसेस में मिलेंगी, स्मॉल मीडियम लार्ज, यानी कि 70, 100 और 150 में। ये आप देख सकते हैं वो दूर दूर तक पीछे जो है वो ऐसी रेड़ियाँ लगी हुई हैं, स्टार लगे हुए हैं रेड़ियों के। इधर भी देख सकते हैं आप स्टार लगे हुए हैं। तो बस आप जिधर से मर्ज़ी ट्राई करें, सबका एक ही टेस्ट है और अच्छे हैं और मुफीद हैं, और सफाई का ख्याल देख सकते हैं आप। और मौलवी साहब तो अभी और मसाला डाल रहे हैं क्योंकि इनको जो है वो अभी मिर्चें नहीं लगी, हमें तो काफ़ी मिर्चें लग गई हैं। अगर आप जो है गोलगप्पे आपने खा लिए हैं या फिर टेस्ट नहीं करने, तो फिर साथ ही जो है वो गर्मियों के मौसम अगर हो तो फिर आ जाएं आप ये गोला की दुकान के ऊपर, और जो है आप इधर से आके फिर गोला ट्राई करें और फिर इंजॉय करें, चिल करें ब्रो। ये जो है वो बर्फ़ को क्रश कर रहे हैं और जैसे ही बर्फ़ क्रश होती है फिर इसके ऊपर देखते हैं क्या क्या डलता है यार। ये 120 वाला लास्ट है? नहीं, अच्छे वाला सबसे 150 वाला। अच्छा वो 150 वाला है, वो ऐसे दबा के। ये अभी चल गया ऊपर खोया और ये ऊपर चला गया है, क्या गया भाई? अब चेरी चला गई है। ठीक हो, ये काजू चले गए यार।
ये पाइन एप्पल चला गया। शीरा, ये शीरा डर रहा है, ये जला। वो क्या बात है यार, कितना चीज़ी है। और ये ऊपर चला गया जामे शेरी, जिसने उसका रंग ही बदल दिया है। पर ये क्या चीज़ है? मिल्क, मिल्क, मिल्क है। क्या बात है यार। और फाइनली हो गया रेडी। और ये कुछ ये लुक पेश करेगा आपके सामने, चेक करें। तो अली भाई से टेस्ट कर रहे हैं और फिर हमें बताते हैं ये कैसा लगा इनको। ये भी जो है इनके साथ ही जो है ये स्टार लगा हुआ है, चेक करें कितना जो है ना वो चीज़ी सा लग रहा है। कैसा लगा अली भाई आपको? अब व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे, वो ट्राई करें इसको कि ना करें? गर्मी के मौसम में खास तो गर्मियों में जो है अगर आपने कुछ ठंडा खाना है तो फिर गोला खाएं आके। वो ये चेक करें इसमें से यार कैसे वो बर्फ़ का जो धुआं सा होता है, ये चेक करें। अभी थोड़ा सा करते हैं इधर से, इसको तोड़ते हैं, ये आ गया। और इधर से थोड़ा सा और ये बाइट बन ये है चेरी और साथ में बादाम और साथ में बर्फ़, खोया और मिल्क, और फिर निकल के आती है बाइट कुछ ऐसी। ओए मज़े मज़े मज़े। अफान भाई कभी ट्राई कराओ यार। अभी हम जा रहे हैं वापस। माय गॉड, चलो यार रोड क्रॉस करो। खो खो गो 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 गो। तो जी गाइस कैसा लगे आज के व्लॉग नीचे कमेंट कर दें, और लाजमी ही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।